जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यदि हम 90 दिन का नो फैब चैलेंज लेते हैं, यानी ब्रह्मचर्य में रहकर यदि हम अपने वीर को नष्ट होने से बचा लेते हैं तो इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएँ, इससे जब भी मैं चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप वीडियो देख सकें। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मित्रों, जब कोई साधक 90 दिन तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो फिर ऐसे साधक का जीवन बदलने लगता है, उसके शरीर में अलग से चेंजेस आने लगते हैं और फिर ऐसा साधक वीर के महत्व को समझ लेता है। वास्तव में वीर हमारी बॉडी में अमृत से कम नहीं है, यह वो बहुमूल्य रत्न है जो हमें हमारे शिखर पर ले जाता है। यदि आप अपने जीवन में कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो एक बार ब्रह्मचर्य की जीवन शैली जी करके देखो, आपको इसकी शक्ति का पता चल जाएगा। मित्रों, वीर हमारे शरीर का निचोड़ होता है, यानी सार होता है। यह हमारी बॉडी में सातवीं स्टेज में बनता है। सबसे पहले बॉडी फ्लूड बनता है, इसके बाद ब्लड बनता है और ब्लड से फ्लैश और फ्लैश से फैट और फैट से बोन बनती है, इसके बाद बोन मैरो बनती है और इसके बाद अंत में वीर बनता है। अब आप खुद समझ लीजिए कि वीर कितना महत्वपूर्ण होता है हमारी बॉडी के लिए। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्मचर्य शक्तियों का खजाना है, ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य छुपी हुई है। मित्रों, वीर में वलम वलमेव वीर्यम, अर्थात वीर ही बल है और बल का नाम वीर है। आज तक संसार में जितने भी बड़े बड़े योद्धा या प्रतिभावान पुरुष हुए, सबको ब्रह्मचर्य का आश्रय लेना पड़ा, क्योंकि बिना वीर रक्षा के शारीरिक बल तथा मनोबल की प्राप्ति हो ही नहीं सकती और बिना ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए हम अपना कल्याण भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के भक्ति की भी प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवताओं ने मृत्यु तक को जीत लिया, अर्थात अमरत्व की प्राप्ति की, ऐसी सामर्थ्य है ब्रह्मचर्य में। लेकिन आज का युवा ब्रह्मचर्य के महत्व को समझे बिना ही इसका उपहास करता है। आजकल वीर सिर्फ मनोरंजन का केंद्र बन गया है, ऐसे लोगों का सर्वनाश निश्चित है। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि 90 दिन तक ब्रह्मचर्य में रहने से क्या होगा। जो व्यक्ति 90 दिन तक यदि अपना वीर बचा लेता है तो फिर ऐसे साधक के शरीर में अटूट शक्ति आती है, उसकी बॉडी में इतनी क्षमता आ जाती है कि उसका शरीर घंटों परिश्रम के बाद भी थकता नहीं है। इसीलिए पहलवान भी ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए लघोट बांधते हैं। वास्तव में 90 दिन तक ब्रह्मचर्य में रहने पर व्यक्ति अपने आसपास दिव्यता का अनुभव करने लगता है, उसके मन में शांति आने लगती है और मन से नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। व्यक्ति कोई भी वस्तु रखकर जल्दी भूलता नहीं है, ऐसे व्यक्ति की आयु भी बढ़ जाती है, मस्तक पर तेज आने लगता है, वह चेहरा एकदम चमकदार बन जाता है, बाड़ी में प्रभाव आ जाता है और लोग उससे प्रभावित होने लगते हैं। व्यक्ति के अंदर निर्भयता, पराक्रम, साहस, उत्साह आदि दिव्य गुणों की वृद्धि हो जाती है। फिर ऐसा व्यक्ति आनंद में रहता है, उसका शरीर स्वस्थ व कांतिमान बनता है और हमारी संकल्प शक्ति भी ब्रह्मचर्य में रहने से मजबूत बनती है। 90 दिन के ब्रह्मचर्य से हमारा दिमाग पहले के मुकाबले काफ़ी तेज काम करता है, इससे हमारे पाप भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। बस आप ब्रह्मचर्य में एक बार रहकर तो देखिए, बस एक बार काम वासना से ऊपर उठकर तो देखिए, आपका जीवन आनंदमय न बन जाए तो कहना। इसीलिए भीष्म पितामह ने कहा है कि तीनों लोकों के साम्राज्य का भले ही त्याग कर देना अथवा इससे भी कोई उत्तम वस्तु हो उसको भी छोड़ देना, लेकिन ब्रह्मचर्य को कभी भी भंग मत करना। लेकिन मैं मानता हूँ कि यदि आपने अत्यधिक वीरनाश किया है तो 90 दिन तक ब्रह्मचर्य चैलेंज लेना बहुत कठिन है। इस दौरान मन आपको कई बार गिरा देगा, लेकिन दोस्तों आप हिम्मत मत हारना, फिर कोशिश करना, देखना आप सफल हो जाओगे। मित्रों, आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके युवाओं के पास पहुँचाएँ और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। यदि आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो वहां पर मैं ब्रह्मचर्य से रिलेटेड पोस्ट डेली करता रहता हूं। जय श्री राम। मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें। ओम नमः शिवाय।